दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का फॉर्म आ चुका है। एसएससी की वेबसाइट पे वो फॉर्म पड़ा हुआ है। आप अगर एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको जाना है और वो फॉर्म अप्लाई करना है। उसका लिंक मैं आज भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे पूरा, जो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जिस जिस बात से आपका कुछ लेना देना है उस बात को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पूरी नोटिफिकेशन डिस्कस करने बैठे तो कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 72 पेजेस की नोटिफिकेशन है। सबसे पहली बात यह है कि आज तारीख है 20 अगस्त 2022, आज की डेट को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। दूसरी बात यह है कि 20 अगस्त से लेके 5 सितंबर 2022 का समय है आपके पास। इस डेट के बीच में ही आपको ये फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। तो ले लेके हमारे पास 15-16 दिन का समय है। 5 सितंबर 2022 को रात 11 बजे के बाद ये फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। उसके बाद 6 सितंबर तक का समय है आपको फ़ीस पेमेंट के लिए। फिर उसके बाद एक दिन का आपको समय और मिलता है, जो है 7 सितंबर 2022। उस दिन, वो दिन इसलिए दिया जाता है कि अगर इस फॉर्म को फिलअप करते समय कोई एरर हुई है आपसे या कुछ करेक्शन आपको करना है तो आप वो इस तारीख को कर सकते हो। आपको कुछ करेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे और ये करेक्शन आप कैरी आउट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद नवम्बर 2022 में इसका CBT होगा, यानी पहला टीयर एग्ज़ाम होगा। तो ले लेके हमारे पास 2.5-3 महीने का समय है आज से लेके नवंबर 2022 तक। फिर उसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो काफ़ी लोग नहीं समझते हैं, या जो बाहर के लोग होते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, उनके मन में जो गलत बात होती है वो ये है कि हम इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या ग्रुप सी। ये गलत है। आप एक बार समझने की कोशिश करिए, इस एग्ज़ाम का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। इसमें जो दो पोस्ट मिलती हैं वो दो ग्रेड में होती है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड सी का मतलब ग्रुप सी नहीं है और ग्रेड डी का मतलब ग्रुप डी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रेड सी जो अगर स्टेनोग्राफर है तो उसका मतलब होता है ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट, ठीक है। ग्रेड सी में दो वैकेंसी आती है, इसमें एक होती है 4200 ग्रेड पे की और एक होती है 4600 ग्रेड पे की। दोनों ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट में होती हैं। और अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो वो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, जिसको ग्रुप सी में काउंट किया जाता है। ग्रुप डी का मतलब ये होता है कि जो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है उसको बोलते हैं ग्रुप डी पोस्ट, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये पढ़ पा रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव स्किल्स इन स्टेनोग्राफी आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो आप में से जो लोग भी, जो नए नवेले लोग होते हैं, जो ये बात पूछते हैं कि क्या सर अगर हमको शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो हम पूरा उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, भले ही आप सुपर ह्यूमन हो, आप लिख भी दो, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा। जहाँ पे आपकी कॉपी में ये देखा गया कि इसने पूरा इंग्लिश में लिखा है तो वो कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। दूसरी बात ये है वैकेंसी की, तो वैकेंसी अभी तक अपलोड नहीं की SSC ने। कुछ समय बाद, आई थिंक 4-5 दिन में या 1 हफ्ते बाद अपलोड हो जाएंगी वैकेंसी। वैकेंसी कहाँ मिलेंगी? इसकी वैकेंसी मिलेंगी SSC की वेबसाइट में, कैंडिडेट्स कॉर्नर होता है, उसमें टेंटेटिव वैकेंसी का एक सब ऑप्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता होगा ग्रेड सी और ग्रेड डी दो वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट होता है इसमें, और जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। पैन पोस्ट है, यानी परमानेंट, सॉरी प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, यानी पूरे इंडिया में कहीं पे भी जहाँ पे उन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज हैं आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जा सकती है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन के बारे में, हाँ एक चीज ये है, आप जो भी रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो, बी इट SC ST OBC EWS और या फिर आप मान लीजिए PWD का या फिर OH का, कोई भी रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का कोई भी रिजर्वेशन अगर आप अवेल करना चाहते हो, आपको ये बात अच्छे से पता होगी, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सवाल जो होता है, जो सबसे ज़्यादा डाउट्स होता है, वो इस बात को लेके होता है कि सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो किस डेट से किस डेट तक का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो हम सबको पता है 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। एज फार एज दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इज कंसर्न, 5 सितंबर 2022 यानी कि जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने का, इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने का, उस डेट तक का सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो कहने का मतलब ये है भाइयों और बहनों, अगर आज तक यानी अभी तक भी आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो, तो अभी भी समय है आपके पास 15-16 दिन का। आप आज के आज ही जाइए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए और इंश्योर करिए कि 10-12 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाए,
ताकि 5 सितंबर 2022 से पहले की डेट या फिर 5 सितंबर 2022 की डेट उसमें पड़ जाए, वो सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। लेकिन अगर 5 सितंबर 2022 के बाद का सर्टिफिकेट आप लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वो पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात जो ये जो डाउट होता है ये काफी लोग के मन में होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद भी मैं आपसे कहूंगा कि एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये बताया इन्होंने कि जो वैकेंसीज हैं वो डिपार्टमेंट्स भेजता है, एसएससी का कोई रोल नहीं होता वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हाँ, बीआरओ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसमें जो पोस्ट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, उसमें फीमेल कैंडिडेट्स नहीं जाती हैं। और ये पैरामीटर्स हैं या जो भी मतलब कैटेगरीज हैं, अगर आप डिसेबिलिटी की किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन में आते हो तो आपको एक बार इसको पढ़ना है और अकॉर्डिंगली अपना नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अनलेस यू फॉल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिर उसके बाद लास्ट में इसमें कई सारे अनेक्सेस दिए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर ये सब नॉर्मल बातें हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया नेपाल या भूटान के सिटीजन होने चाहिए वगैरह वगैरह। अब ये एक फिफ्थ पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आपके पास जो एज लिमिट होती है वो काफ़ी ज्यादा काफ़ी कम होती है, लेकिन ग्रेड सी में ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए, और अगर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। इन शॉर्ट, 2 जनवरी 1992 से आप पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2004 से आप बाद में पैदा नहीं होने चाहिए, बोथ द डेट्स इंक्लूडेड, अगर आप ग्रेड सी का फॉर्म भर रहे हैं। फिर से सुनिए एक बार, कैंडिडेट्स जो ग्रेड सी का फॉर्म भरेंगे वो 2 जनवरी 1992 से लेके 1 जनवरी 2004 तक के बीच में ही पैदा होने चाहिए, बोथ द डेट्स इंक्लूडेड, उसके बाद या उसके पहले नहीं। साथ ही साथ अगर आप ग्रेड डी का फॉर्म भरेंगे तो आप 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 तक के बीच में पैदा होने चाहिए, बोथ द डेट्स इंक्लूडेड, ना उससे पहले ना उसके बाद में। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो एज में रिलैक्सेशन मिलता है आपको, अगर SC ST हो तो 5 साल मिलेगा, OBC हो तो 3 साल मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर SC ST हो तो इस 30 को 35 कर दीजिए, इस 27 को 32 कर दीजिए, अगर OBC हो तो इस 30 को 35 कर दीजिए, 27 को 30 कर दीजिए, बस यही सब होता है। PWD हो तो आपको 10 साल मिलेगा, एक्स सर्विस मैन हो तो 3 साल मिलेगा, इस तरह से। फिर उसके बाद एक बात इसमें ये याद रखिएगा कि जो डेफिनेशन होती है एक्स सर्विस मैन की, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फिलअप करोगे फॉर्म तो प्लीज़ इंश्योर कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, खासकर वो प्रोविजंस को जो एक्स सर्विसमैन के लिए रेलेवेंट है। फिर उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट बात है, डेट ऑफ बर्थ, एक्स सर्विसमैन और सिक्योरिटी, ये सारी एक्स सर्विसमैन की बातें हैं। ये इसमें यहाँ पे बताया गया है पॉइंट नंबर H में कि एक्स सर्विस मैन कौन होता है, इसको आप प्लीज अच्छे से पढ़िएगा अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हो तो। फिर यहाँ पे बात आती है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। देखिए, एक और जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला डाउट है वो ये होता है कि हमारा सर्टिफिकेट अगर स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना है तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में? आंसर इज नो। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर आप पढ़ते हो तो ये बात पता होगी आपको कि जो शेड्यूल कास्टेज या शेड्यूल ट्राइब ये इन सब की जो कमीशंस होती हैं, ठीक है, नेशनल कमीशन होती है, स्टेट कमीशन होती है, वो नेशनल और स्टेट सबके अलग अलग होती है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के लिए अलग कमीशन होती है, नेशनल लेवल पे एक अलग कमीशन होती है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो एज पर द नेशनल प्रोफोर्मा होना चाहिए, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया उस प्रोफोर्मा के हिसाब से होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट करके जो मिनिस्ट्री होती है उसके हिसाब का, उस फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप लास्ट में देखोगे पेज नंबर आई थिंक 45 से 55 के बीच में दिया होता है किसी भी नोटिफिकेशन में, ये सारे फॉर्मेट जो होते हैं, ये देखिए, ये 45 नंबर पे है एज रिलैक्सेशन का फॉर्मेट, ठीक है, 46 नंबर पे है आपका
डिफेंस पर्सन जो एक्स सर्विसमैन है उनका फॉर्मेट, ये एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट हो गया। फिर 48 नंबर पेज में SC ST का फॉर्मेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक इसी तरह जो OBC का सर्टिफिकेट है ये वाला, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये, जब आप स्टेट गवर्नमेंट का इस तरह का फॉर्म देखते हो तो यहाँ पे लिखा होता है फॉर द स्टेट ऑफ दिस, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली सर्टिफिकेट्स की। फिर बात आती है स्क्राइब वगैरह, अगर आपको लेना है, अगर आप स्क्राइब अवेल करना चाहते हो एग्जाम में, तो प्लीज़ इस 7th नंबर में जो जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं उसको अच्छे से पढ़िए। आई थिंक इसमें जो मेन बात है वो यही है कि स्क्राइब के प्रोविजंस क्या हैं, किस केसेस में आप स्क्राइब ले सकते हो, और साथ ही साथ जब आप CBT के लिए जाओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है कि हम स्क्राइब अवेल करना चाहते हैं, ठीक है। और एक ये जो डी पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, जो मैंने अभी आपको बात बताई वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD एक्सेट्रा स्टेटस और अदर एनी अदर बेनिफिट विथ फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 5 सितंबर 2022 या उससे पहले का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, उससे पहले की डेट पड़ी है, तो वो सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेबल। उसके बाद का है तो इट वोंट बी एक्सेप्टेड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर अभी भी आपका नहीं बना है या बहुत पुराना सर्टिफिकेट है आपके पास, तो प्लीज़ अभी जाइए अप्लाई करिए और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। स्क्राइब की बात ये हो गई, स्क्राइब का अगर आपको अवेल करना है तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा। अब बात आती है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 5/9/2022। इस एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना है, ठीक है, या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या डिग्री होनी है आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, ठीक है, MHRD की जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से। अगर आपके पास 12th नहीं है आपके पास या कोई और सर्टिफिकेट है, तो इट हैज़ टू बी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी इनका फ्रेमवर्क है उस हिसाब से होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। और इन सब केसेस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मैं आपको एक बार बता दूं, अगर सर्टिफिकेट को लेके कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कट ऑफ डेट को लेके कोई डिस्प्यूट होता है, तो इसमें जो कमीशन का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ऑब्वियसली उसके बाद जुडिशियल फोरम पे आप अप्रोच कर सकते हो कैट वगैरह में, लेकिन कमीशन का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको थ्योरेटिकली इन्होंने लिखा है और साथ ही साथ स्क्रीन शॉट्स कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में कुछ एनेक्चर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे स्क्रीन शॉट पड़े हुए हैं, अगर आप चाहो तो उनको देख सकते हो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात सजेस्ट करता हूँ, अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हो SSC का, अगर आपने पहले खुद से ये फॉर्म नहीं भरा है, तो बेटर होता है एक अच्छे इंटरनेट कैफ़े को ढूंढना, वहाँ पे जाना, बैठना, जो वहाँ पे कैफ़े वाला है उससे फॉर्म भरवाना, उसके बाद उसको 50-60 रुपये दे देना, ठीक है। सारा काम आपका हो जाता है, फोटो स्कैनिंग प्रॉपरली हो जाएगी, सिग्नेचर अपलोड प्रॉपरली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप को लगता है कि आप खुद से फॉर्म भर सकते हो या आपने अगर पहले भर रखा है, तो वेरी गुड, आप खुद से भर दीजिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आपने पहले नहीं भरा, तो बेटर होता है किसी कैफे में जाओ, 50-60 रुपये दो उसको और फॉर्म अपना फिल करवा लो, ठीक है। हालांकि इन्होंने सैंपल वगैरह दे रखे हैं कि कैसे आपको करना है। याद रखिए इस फॉर्म को भरने से पहले आपको SSC में वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको OTR बोलते हैं, वो करना होता है। अभी UPSC में भी यही प्रोविजन ले आए हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। उससे होता क्या है कि जो आपके बेसिक पर्टिकुलर्स हैं, जो ऑलमोस्ट आपको हर एप्लीकेशन फॉर्म में भरने पड़ेंगे, वो पहले से ही प्री फीड हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के नोटिफिकेशन का फॉर्म खोलोगे, तो वो डिटेल्स पहले से ही भरे हुए रहेंगे आपके पास। तो आपको पहले OTR करना है, जब आप SSC की वेबसाइट में लॉगिन करोगे तो आपको OTR करना है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इस पर्टिकुलर एग्जाम के नोटिफिकेशन पे जाना है। अब एक बात आती है फोटोग्राफ की, फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए। देखिए फोटोग्राफ को लेके लास्ट टाइम बड़े सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए, बड़ी सारी कैंडिडेचर्स कैंसिल किए गए। फोटोग्राफ आपकी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो आपकी शक्ल है वो जो पर्सन जाएगा एग्जाम देने, जो CBT देने जाएगा, उसकी शक्ल से मैच होनी चाहिए, ठीक है। 3-4 साल पुरानी फोटोग्राफ मत लगाइएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप अभी जाइए फोटोग्राफ की चाहिए, प्रेफरेबली इन अ ब्लू बैकग्राउंड, जिसमें ब्लू बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छी फोटो होती है, हमेशा स्टूडियो में जाके खिंचाइए। फोटोग्राफ का जो साइज़ है उसका ध्यान में रखिए, साइज़ का कोई इशू ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कैन करना है फोटोग्राफ, ठीक है, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ में अगर आप
स्पेक्स लगाते हो तो प्लीज़ फोटोग्राफ खिंचाते समय आप उसको उतार लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टोपी वगैरह लगाते हो तो फोटोग्राफ खिंचाते समय उस टोपी को भी उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका फोटोग्राफ जो है, सॉरी आपका फॉर्म जो है उसको रिजेक्ट करवा देंगी। इसमें साफ साफ ये बात लिखी है, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्स। उसके बाद फोटोग्राफ का साइज दिया हुआ है, ये जब आप अपलोड करोगे तो अगर इस साइज के बियॉन्ड होगा तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म को, लेकिन इंश्योर करिएगा कि आप इस साइज में फोटोग्राफ को अपलोड करें। फिर बात आती है सिग्नेचर की, सिग्नेचर भी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और प्लीज़ दोस्तों वही सिग्नेचर करना जो आप हमेशा बनाते हो, जो आप जब फॉर्म देने जाओ, CPT देने जाओ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओ तो आप वो यही सिग्नेचर कर सको, कुछ ऐसा मत बना देना जो आप खुद ही ना कर पाओ, ठीक है। साथ ही साथ एक बात याद रखना, फोटोग्राफ और सिग्नेचर बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी ब्लर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको 4K में खींचो, लेकिन एक प्रॉपर अच्छी इमेज होनी चाहिए जिसमें साफ साफ दिखे कि आपका क्या फोटोग्राफ है, आपके फीचर्स जो हैं, आँख का नाक, वो सब बराबर दिखें। सिग्नेचर जो होगा वो भी 10 से 20 KB JPG फॉर्मेट में होगा, तो इंश्योर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विद एलिजिबल ब्लर्ड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 5 सितंबर है 2022 रात के 11 बजे तक। इतना दिन तक वेट मत करिएगा, मैं यही कहूँगा आपसे कि इंश्योर करिए 5-6 दिन में आप अपना फॉर्म डाल दें, क्योंकि लास्ट में अक्सर ये होता है कि वेबसाइट जो होती है वो काम करना बंद हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी के नाम पर आपको सिर्फ 100 रुपये देने हैं। अगर उसमें भी आप वुमेन कैंडिडेट हैं और या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन सबको बिलोंग करते हो तो आपको वो भी नहीं देना है, मुफ्त है। फिर उसके बाद ऑनलाइन फीस का प्रोविज़न क्या है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल जाएंगी। एक दिन आपको मिलेगा 7 सितंबर, अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं या कुछ एरर हो गई है फॉर्म फिलअप करते समय तो उसको सही करने की। बट भाइयों और बहनों प्लीज़ इंश्योर करना कि कुछ गलत ना होने पाए, क्योंकि मोर ऑफ एंड नॉट ये 7 तारीख को ये साइट चलेगी ही नहीं, ऐसा ही होता है हमेशा, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि ये 7 तारीख को ये साइट चलना बंद हो जाती है, तो वो नौबत ना आए ऐसा इंश्योर करिएगा। फिर इसके बाद सेंटर्स की बात करें तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको सेंटर पूछा जाएगा, 3 प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी आपसे, जहाँ जो आप चाहते हो आपका सेंटर वहाँ जाए आप उसको पहली प्रेफरेंस पर डालिए, उसके बाद अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से 2 और प्रेफरेंसेस भर दीजिए। प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं रीजन के हिसाब से यहाँ पे सबके नाम दिए हुए हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डी के लिए कर सकते हैं, डी के लिए, सी के लिए, आप हमेशा दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात आती है लैंग्वेज की, देखिए स्कोप की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में बड़ा अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है। आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, हाँ कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए जैसे कि कैट हो गया, कैट में वैकेंसी सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए ही आती है, हिंदी के लिए नहीं आती है, तो वहाँ पे थोड़ा एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिल जाता है इंग्लिश स्टेनोग्राफर को बिलोंग करते हो तो। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेड डी पे हो तो कोशिश करिए ग्रेड डी के लिए मत अप्लाई करिए, किसी और को वैकेंसी का लाभ उठाने दीजिए, आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई करिए। ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों में हो तो फिर तो अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो ये सारी जो जगह हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेंटर में आपको अलॉट किया जा सकता है। फिर यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी, क्या क्या सिलेबस है, ये सब कुछ, ये सब सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ मेरे चैनल पे, वो सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ ना देखी हो तो प्लीज़ भाई 2.5-3 महीने का समय बचा है, वो वीडियोज़ देखो और इस एग्ज़ाम से रूबरू हो। आपको सब चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के प्रोविजंस क्या हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेबस वगैरह दिया है, तो ऑल इन ऑल यही सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। फिर ये सब दिया गया है कि जब आप CBT के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, 2 फोटोग्राफ लेके जानी है और 1 ID लेके जानी है, सारी बातें तो जब CBT आएगा तो मैं बताऊंगा ये आपको एक और वीडियो में। फिलहाल के लिए जो आपको जानना है वो यही सब है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बात बस याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक भी सर्टिफिकेट जिनके वजह से आप कोई रिजर्वेशन अवेल करना चाह रहे हो नहीं किया है अप्लाई, कोई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 सितंबर कट ऑफ डेट है, 5 सितंबर से पहले की किसी भी डेट में आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। साथ ही साथ फोटोग्राफ जो लगाना प्लीज़ अभी के लगाना, बहुत पहले की मत लगाना,
ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, टोपी नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज का खास ध्यान रखना, अगर एज उस एज ब्रैकेट में आप फॉल नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। बस और कुछ इसमें देखने लायक नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है, ये सब सीबीटी में अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हो तो डिस्क्वालीफाई किए जाओगे ऑब्वियसली। एक बार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इनको देख लेते हैं। इसमें ये पूछ बताया गया है कि पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो। दूसरी बात ये बताया गया है कि जो जो चीज़ें आप भर रहे हो वो एकदम बोनाफाइड होनी चाहिए, उसमें कुछ फेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये बताई गई है कि वेल बिफोर क्लोजिंग डेट अपना फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। बस और कुछ भी नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं। मेल आईडी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम सही होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, और जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा भी, क्योंकि उसके ओटीपी नहीं आएगा अगर आप अच्छा मोबाइल नंबर नहीं दोगे, जो सही मोबाइल नंबर है वो नहीं दोगे अच्छे का नंबर। बस यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी साहब का साइन हो गया और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो एनेक्चर्स हैं ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। मैं एक बार आपसे ये कहूँगा कि जहाँ पे भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई करने जा रहे हो, बेटर ये रहेगा कि आप उनको ये एनेक्चर की कॉपी भी साथ में लगा दो, ठीक है। एनेक्चर की कॉपी लगा दोगे तो होगा क्या, होगा ये कि उस फॉर्मेट के हिसाब से सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। ये इंश्योर करिएगा कि जो सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से ही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि एसएससी है, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट एससी एसटी का फॉर्मेट है दिया हुआ है। उसके बाद जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये ओबीसी का दिया हुआ है, कहाँ गया, ये ओबीसी का दिया हुआ है। और उसके बाद जो है वो ईडब्ल्यूएस का दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको पता है ईयर के हिसाब से बनता है, एक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल तक रहती है। सबसे ज़्यादा क्वारीज जो आती हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके होती हैं हमेशा। तो प्लीज़ ये सारी बातें एकदम क्लियर कर लीजिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने स्क्रीन शॉट दे रखे हैं, अगर आप चाहते हो एक बार इनको देख लेना। वैसे कुछ इसमें बहुत खास नहीं है, ये सब चीज़ें जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको मिलेंगी। तो ऑल इन ऑल ये सारी बातें थी दोस्तों। अगर कोई डाउट हो आपके अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने से के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2.5-3 महीने का समय बचा है हमारे पास, जान लगाने का समय है। आई नो आप सब पढ़ रहे होगे अच्छे से। प्लीज़ लीव नो स्टोन अनटर्न, जो भी हो सकता है आप करिए और अच्छा मार्क्स स्कोर करिए इसमें। अच्छा का मतलब ये होता है कि नथिंग लेस देन 160 और 165, ठीक है। तो गुड बाय, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।